हेलो माय यूट्यूब फैमिली आई होप यू आर डूइंग गुड तो देखिए आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही हूं, अमेजिंग से दो क्राफ्ट और जिनको मैंने बिल्कुल वेस्ट जीरो कॉस्ट में बनाया है और जो भी घर में नॉर्मली चीज़ें होती हैं उन्हीं से का इस्तेमाल किया तो देखिए ये दिख रहा था ना आप लोग को थर्मोकोल का पीस और उससे मैंने नाइफ़ को गर्म किया अपनी जो क्राफ्ट नाइफ होती है उसको मैंने गैस पर गर्म किया आपके पास सोल्डिंग वाली वो रॉड हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं क्योंकि थर्मोकोल को काटना बहुत आसान होता है अगर आप उसे गर्म कर लेते हैं क्योंकि ये एकदम गम की तरह हो जाता है तो बिल्कुल आराम से इजिल कट जाता है तो मैंने बस उसको शेप बना करके उसे खटाक से काट लिया और मैंने तो अपनी ना नाइफ से ही काटा था जिसे गैस पे गरम कर रहा था मैंने मेरे पास शोल्डिंग राइट रॉड नहीं था अगर आपके पास है तो आप उससे कट कर लीजिएगा और बस इसके बाद कट करके मैंने उसके ऊपर वॉल पुट्टी का कोड लगाया अच्छा वो सब क्लिपिंग मैंने नहीं डाली बिकॉज अननेससरी uh, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर आप लोग पूरा वॉश नहीं करते हैं इसलिए मैंने सोचा वो क्लिपिंग डालने का कोई मतलब नहीं होता वॉल पुट्टी का कोड लगाया है और उसके ऊपर मैंने थ्री डिफरेंट कलर्स कर लिए लिए थे 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 ब्लू के शेड्स मैंने मैंने तीनों डिफरेंट शेड तो तो उसके बाद जब वो सूख गया ना अच्छे से तो थोड़ा सा उसको सरफेस को उसके स्मूथ किया रेगमाल से और उसके बाद मैंने अपना ही इसको मंडा आर्ट कर दिया तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इसे मैंने लगाया अपने रूम में और ये इतना खूबसूरत आर्ट पीस लग रहा था और एकदम जीरो में क्योंकि अगर आप क्रिएटर है तो आपके पास कलर्स होंगे ही थर्मोकोल अक्सर हम कुछ भी सामान मंगाते हैं ना जैसे मक्स मंगाया कोई पैकिंग मंगाई तो उसमें थर्मोकोल लग के आ जाता है ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें थर्मोकोल आ जाता है तो उसको फेंकने के बजाय मैंने उसका यूज़ किया है और देखिए बिल्कुल जीरो कॉस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही और दूसरा भी जो क्राफ्ट है मेरा वो भी बहुत इजी है क्योंकि अक्सर हम लोग जब ना क्ले से कुछ काम करते हैं तो क्ले थोड़ी सी बच जाती है तो भाई देखिए वो क्ले ले करके मैं तो उसको नॉर्मली क्या होता है अगर आप थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं जो क्ले होती है तो वो बहुत हार्ड हो जाती है और वो हार्ड होने के बाद उसका आ, कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता तो बिफोर दैट अगर वो हार्ड हो उससे पहले आप उसका क्या करें उसके कुछ अल्फ़ाबेट की शेप देकर के उसको ड्राई करा के रख लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए वो बहुत अमेजिंग सा क्राफ्ट तैयार हो जाएगा आपका और देखिए इस पर मंडाला आर्ट करने के बाद ये इतना खूबसूरत लग रहा था मैंने देखिए इसको लैम्प के ऊपर लगाया है ना और ये न सुंदर लग रहा था ना और एकदम मतलब जीरो कॉस्ट में तैयार हुआ है और इतनी खूबसूरत सा जब लैम्प जला है वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी वो मेरा आ, क्ले सूख गया मतलब मैंने काम किया था उसके बाद जो क्ले नीचे पीछे बैकग्राउंड को मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारा कलर उसके ऊपर लग गया मेरे बोर्ड के ऊपर तो उसी पर रख करके मैं ऐसे कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैसी हो जाता है कुछ कहीं पर भी करने पर तो मैंने सोचा चलो इस पर तो मैंने इस पर कुछ बड़े और कुछ छोटे छोटे अल्फाबेट भी बनाए थे मतलब कुछ छोटे साइज के बना लिए थे कुछ बड़े साइज़ के बनाए थे तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में मैंने अल्फाबेट्स बना लिए थे और केक अक्सर हम लोग के घरों में आता है तो हम उसका केक बेस फेंक देते हैं खाने के बाद तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है और इन जो मैंने ये जो मतलब क्ले था जिसके अल्फ़ाबेट बनाए थे उन सबको को मिला करके मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा आर्ट पीस तैयार किया तो आप और उसे मैंने अपने किचन में लिव लाइफ लिख करके लगा रखा है बहुत सुंदर लगता है तो अगर आप लोग भी इस तरह से ब्यूटीफुल से आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल जीरो कॉस्ट में तो देखिए ये दोनों ही आइडिया जो मैंने आप लोग को दिए हैं ना वो बिल्कुल मतलब आपका बिल्कुल उसमें कोई भी बजट मतलब बिल्कुल बजट फ्री आइडिया है बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बताया देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है और इसे मैंने अपने किचन वॉल पे लगाया है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ देखिए ये मेरी किचन वॉल पे लगा है और इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना लिव लाइफ लिखा हुआ इस पर और मैंने इस पर कुछ बटरफ्लाई जो वॉल पेपर्स में होती है ना उसको निकाल करके लगा दी थी बहुत सुंदर लग रहा है थोड़े से स्टोन्स भी लगाए हैं मैंने साइड में दिख रहे होंगे तो अगर अच्छा लग रहा हो कि वीडियो किसी भी एंड पर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़